हेलो फ्रेंड, मैं बनाने वाली हूँ पोड़ा पिठा। और पोड़ा पिठा के लिए क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं। 1 कप उड़द दाल, 2 कप राइस। आप 2 घंटे पहले भिगो के रखिए, उसके बाद उसे बटर बनाइए। ये रहा मेरा बटर, मैं जो कि मैंने प्रिपेयर किया है। और क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं। ये देखिए, 1 कप शुगर, काजू, स्वीट पोटैटो, कोकोनट और घी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ पोड़ा पिठा। ये देखिए, मेरा कुकर गर्म हो गया है, उसमें मैंने घी डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल घी थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें बटर डालने वाली हूँ। पहले बटर में क्या क्या डालती हूँ देखिए। ये रहा स्वीट पोटैटो, डाल दिया है। उसके बाद काजू डाल दिया है। उसके बाद कोकोनट डाल दिया है। उसके बाद शुगर डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, मैंने सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर दिया है कि मेरा कुकर भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें बटर डालने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने सारा बटर डाल दिया है। अब मैं इसे कवर करने वाली हूँ। कवर करते समय एक बात याद रखिए, उसका जो सीटी है ना उसे निकाल दीजिए, वरना सीटी आएगा तब आपका पूरा पीठा जो है ना वो बिगड़ जाएगा। पहले इसे 5 मिनट हाई फ्लेम में रखना है, उसके बाद 15 मिनट लो फ्लेम में रखना है। ये देखिए, मेरा हाई फ्लेम है, अभी मैं इसे लो करने वाली हूँ। अभी इसे लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक बैठना है। ये देखिए, मैंने कुकर का सीटी निकाल दिया है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा से वहाँ से धुआँ निकल रहा है, बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है क्योंकि मैं घी में बनाया है। हेलो फ्रेंड, मेरा 20 मिनट हो गया है, अब मैं स्विच अप करने वाली हूँ फ्लेम। ये देखिए, मैंने स्विच अप कर दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए कितने अच्छा बना है। ये देखिए बन गया है पहला पीस आप सबके लिए। बनाइए, खाइए, कैसा लगा बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।